नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे कुछ परिचित लोगों की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है, जिनमें बीमारी का कोई इतिहास नहीं था। ऐसा क्यों होता है, हम आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताएंगे और इसके बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पर अपना वीडियो ला रहे हैं, जहां हम कुछ भ्रम और मिथकों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर यानी मूक हत्यारा है। यह कब हमारे शरीर में घर कर हमें मौत का रास्ता दिखा देता है, पता ही नहीं चलता। भारत में हाई ब्लड प्रेशर की घटनाएं इतनी अधिक हैं कि अगर इसे महामारी भी कहा जाए तो बहुत गलत नहीं होगा। जहां भारत के शहरी क्षेत्रों में करीब 25% यानी कि 1/4 लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह 12 से 15% लोगों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि सन 2022 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 12 करोड़ लोग और शहरी क्षेत्रों में करीब 12.7 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। कुल मिलाकर इनकी संख्या 24.7 करोड़ थी, जो उस समय में भारत के कुल जनसंख्या के करीब 18% थी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का एक स्टेज कुछ ऐसा भी है जिसे प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है, जहां मरीज का रक्तचाप नॉर्मल यानी 80-120 के रीडिंग से थोड़ा अधिक होता है, लेकिन अभी तक मरीज खतरे के क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। देश के लगभग 33% लोगों में यह रीडिंग पाई जाती है, जिसके चलते सन 2022 में देश भर में 46 करोड़ लोग प्री हाइपरटेंसिव थे। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें लगभग 71 करोड़ लोगों का एक चौंका देने वाला आंकड़ा मिलता है। देश के कुल आबादी का आधा हिस्सा या तो हाई ब्लड प्रेशर या उसमें घुसने की तैयारी की स्थिति में थे। पर प्री हाइपरटेंशन क्या है, इसे समझने के लिए जब हमने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी मेहता से बात की, जिन्होंने सन 2001 में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन और सन 2008 में श्रीमती सोनिया गांधी का सफलतापूर्वक इलाज किया था, और डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जो सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स नई दिल्ली में एडिशनल प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और वर्तमान में एनीमिया मुक्त भारत पर एम्स तकनीकी सहायता इकाई का हिस्सा है। पर यह क्यों महत्वपूर्ण है, डॉक्टर मेहता और डॉक्टर मल्होत्रा ने स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए कहा कि हाइपरटेंशन एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। डेंजरस इसलिए नहीं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए कि इसको साइलेंट किलर के रूप में हम लोग तो हमारे देश में ब्लड प्रेशर बढ़ने का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, हाइपरटेंशन और प्री हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट हर दूसरे व्यक्ति को है। अगर इतना ज्यादा है तो हम क्यों इसकी तरफ ध्यान दें? ध्यान इसलिए देना जरूरी है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करते, उसकी दवा नहीं लेते, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये सारी की सारी इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। जो ब्लड प्रेशर है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो एक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है तो जिस प्रेशर के साथ करता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और जब दो पंप्स के बीच में जो प्रेशर नॉर्मल स्टेट में होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहता है। तो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है अगर 140 से अधिक है और जो नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से अधिक है, तो दोनों ही अगर कोई भी ब्लड प्रेशर इस अधिक मात्रा में है और एक से ज़्यादा बार अगर हम देखते हैं डिफरेंट ओकेशंस में, तो हमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। पर क्या हम अपने उच्च रक्तचाप के लिए दवा लेना बंद कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करते हुए डॉक्टरों ने कहा, 140 क्रॉस कर जाता है या नीचे वाले 90 क्रॉस कर जाता है तो वो दवाई जरूर ले। तो एक सिंपल सी चीज है कि दवा की इनिशिएशन 140-90 के ऊपर, लाइफस्टाइल में बदलाव 120-80 से ऊपर। बहुत सारे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर होता है शुरुआत में, हम दवा लिखते हैं तो वो यही कहते हैं कि अगर हमने एक बार दवा खानी शुरू की तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि बहुत लंबा समय चलती है और उम्र के साथ भी ये बढ़ता रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी दवाई रोज ली जाए। हाँ, अगर आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा कर लेते हैं या कोई अंडरलाइन बीमारी है उसको ठीक कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है। संकेत और लक्षणों पर बात करते हुए डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में
बड़ा रहे तो बहुत सारे चेंजेस लाता है ब्लड वेसल्स जो खून लेके जाती है छोटी छोटी वेसल्स, और इनमें जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आंख में भी प्रॉब्लम होना, दिखने में प्रॉब्लम होना, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक होना, दोनों टाइप के स्ट्रोक, एक हिमरेजिक स्ट्रोक मतलब ब्रेन में हेमरेज हो जाना वो भी बढ़ जाते हैं, और ब्रेन में क्लॉटिंग आना वो भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहे तो किडनी की बीमारी हो जाती है और किडनी का काम करना भी बंद हो जाता है, और बहुत सारे मरीज जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है आगे चल के, पर बहुत लोगों में साइन एंड सिम्टम्स भी मिलते हैं जैसे कि सर भारी होना, पीछे की तरफ सर में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, रेस्टलेसनेस फील करना, और अगर बीपी बहुत ही बढ़ जाए सिर दर्द के साथ वॉमिटिंग होना भी एक बहुत बड़ा सिम्टम। ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता है तो एकमात्र जो साधन है जिससे हम जान सकें उसको हमें नापने से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल ज़्यादा है या नहीं है। जो ब्लीडिंग की बात की तो ब्लीडिंग जो है ब्लड वेसल्स वो रप्चर कर जाते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो वेसल्स की जो लाइनिंग है वो प्रेशर को जब सहन नहीं कर पाती तो वो फट जाती है, तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो सकती है, तो नोज़ ब्लीड्स या पेशाब में ब्लीडिंग, तो ये भी सिम्टम्स देखे गए हैं। बट ये सारे सिम्टम्स जो कोरिलेट होते हैं वो बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर की स्टेट में होता है, नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर को कैसे रोका जा सकता है इस पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टरों कहते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने कहा, प्री हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स की तरह हम लोग अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, खूब फिजिकल एक्टिविटी करें, कोशिश करें 10,000 कदम तो कम से कम हम रोज चलें, और साथ ही नमक का प्रयोग लिमिटेड करें अपने खाने पीने में। इसके साथ साथ जितना हम फल फ्रूट और ताज़ी सब्जियां खाते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम होती जाती है। मेडिटेशन और स्ट्रेस को हटाने से भी बहुत प्रिवेंशन में मदद। आधुनिक जीवन शैली तनाव का एक प्रमुख कारण है, इस बात पर जोर देते हुए डॉक्टर मेहता और डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये स्ट्रेस के का एक बहुत बड़ा कारण है, और अगर मैं मेनली देखूं स्ट्रेस के कारण और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, तो मैं आजकल जितने भी यंग लोग आते हैं मैं सभी को कहता हूं कि कुछ चीजों को अपनाइए। अब वो क्या चीजें हैं, सबसे पहले जो ये सोशल मीडिया है इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना और जरूरत से ज्यादा स्क्रीन देखना, चाहे YouTube है, चाहे टेलीविजन है, चाहे Instagram है, चाहे Facebook है, इन एक्टिविटीज को कम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, कोई एरोबिक एक्सरसाइज करना, जो भी खेल पसंद है वो खेलें जिसमें खूब कसरत हो, एक्सरसाइज हो। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कम से कम 10,000 कदम चलिए, अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो बंद करिए। इसके साथ साथ योगा का और मेडिटेशन का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो अगर हम ये सारी चीजें करें, सोशल मीडिया से हटें और जितने भी मादक पदार्थ हैं उनसे हटें, मन को शांत रखें, तो हम काफी हद तक स्ट्रेस पे काम पा सकते हैं। तो दोस्तों, इन परिवर्तनों को अपने जीवन में अमल में लाकर आप हाई ब्लड प्रेशर को रोक सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। याद रखें, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आज ही कार्रवाई करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। हम जल्द ही आप लोगों के सामने एक और ऐसी ही रोचक स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।